अगला गीत उसके बारे में क्या कहें। ये गीत जुदाई के गमों से अभी ताज़ा ताज़ा जख्मी है। इसे बरंजिश, इसकी बेचारगी को बरंजिश देखो, ये कहने वाली बंजारा रचना हम अब सुनने जा रहे हैं, जिसके रचयिता है गुलजार। लेकिन ये जो मूल रचना है वो 13वीं-14वीं सदी के सूफी संत अमीर खुसरो जी के एक बेहतरीन कलाम पर आधारित है। ये आप सभी जानते हैं कि उन्होंने पर्शियन और हिंदवी यानी कि ब्रज भाषा में ये कलाम लिखा है, और वो सूफिज़्म का प्रचार करना चाहते थे तो भारतीय भाषाओं को अपना रहे थे। और आपको ये मालूम है कि एक पंक्ति पर्शियन है और दूसरी पंक्ति ब्रज भाषा में है। तो जिहाले मिस्किन मकुन बरंजिश दुराए नैना बनाए बतिया, इस तरीके से उन्होंने वो लिखा है। परमात्मा का वर्णन है, लेकिन उसे 1985 की गुलामी में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी ने उस कुछ इस कदर इस्तेमाल किया, और लता जी के साथ शब्बीर कुमार जी ने इस कदर गाया, जिसका अनुभव हम अभी लेंगे आसावरी और नानू जी के साथ। अब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के संगीत के बारे में ये कहना चाहिए कि मरुभूमि का वातावरण उन्होंने बहुत सुंदरता से निर्माण किया है। तो खंजीरी है, रवाब है, ढोलक है, वॉयलिन है, फ्लूट है, सोप्रानो जैसे साजों का इस्तेमाल। हम चाहे कितने बार ये गीत सुने, लेकिन हर बार ऐसे लगता है कि गीत सुनने लगते हैं तो सुने सीने से निकलता हुआ धुआं दिल से होकर गुजरता है। जी जी हाले मिस्किन आसावरी, और आप तो आ चुके हैं, तालियों की गूंज के साथ आपका स्वागत। Thank you.
हमारे दिल से गुजर रहा है। तुम्हारे सीने से उठता धुआं हमारे दिल से गुजर रहा है। जिहाले मस्ती मगन रंजिश बहाली जरा बेचारा दिल है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। कोई शक हमारा दिल है।